जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज का जो वीडियो है इसमें मैं अब एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनको यहाँ पर मैंने पोस्ट करना शुरू किया है। उसको मैं रीड करूँगा, साथ ही साथ उसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा तो उसे भी मैं बता दूँगा। इसको करने का रीज़न यही है कि आपको मालूम होगा कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए उसका जो बेस लेवल है, मतलब कि उसका जो शुरुआती स्टेप है, वो आपका एनसीईआरटी का बुक्स ही है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना तैयारी पूरा कर लिया होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी करना शुरू किया है अभी। ठीक है, तो मैं इस जो पहल है इसको मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग नए हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिनके पास एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल नहीं है तो उनको मेरे वीडियोस से कुछ हेल्प मिल जाए, और साथ ही साथ अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है बाय चांस, जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि आपका अदर बोर्ड से रिलेटेड होंगे, तो उन लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक नहीं होता होगा, उनको ख़रीदना पड़ता होगा। आपको मालूम होगा अगर आप पूरा सेट ख़रीदने जाएंगे तो आपका करीबन 1800 से 2000 रुपये पड़ जाता है। तो इसीलिए उससे अच्छा ये है कि मैं इसका एक वीडियो बना लूँ और उसको मैं पोस्ट कर दूँ, ताकि अगर इसे जो देखेगा उसको भी हेल्प मिलेगा और साथ साथ रिवीजन भी होते रहेगा जिनका हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है भारतीय कला का परिचय भाग एक, ये मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है उसी को यहाँ पे मैंने पोस्ट किया। तो आज मैं पहला पार्ट को ही, पहला चैप्टर को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करके आगे का स्टेप्स को भी पोस्ट करता जाऊँगा। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है भारतीय कला एंड परिचय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, इसमें आपको नज़र आएगा कि प्राग ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र। ठीक है, तो इसमें प्राग ऐतिहासिक जो स्थल था उसका मानचित्र यहाँ पे भारत का मानचित्र में उसके बारे में दिया गया है। तो इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पूरा का पूरा जो है आपका पहले का टाइम का जो अखंड भारत बोलते थे वो है। ठीक है, बट इसमें एक हिस्सा अभी भी नहीं है यहाँ पे, आपको अफगानिस्तान का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होगा, पाकिस्तान का हिस्सा, बांग्लादेश, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे आपको गिलगित, फिर से कारगिल, लेह, ये आपको नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं अभी का टाइम में क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर एंड जो लद्दाख है ये बट चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको शिमला नज़र आ रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये जो नदी बह रही है आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, जो कि अरबियन सागर में जाके गिर रही है। ऐसे ही देखेंगे आप अगर यहाँ पे आपको अल्मोड़ा नज़र आएगा, यहाँ पे यमुना नदी नज़र आएगी जो दिल्ली से होते हुए जा रही है। ठीक है, ऐसे ही करके आप बहुत सारे स्थलों को देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिनको देखना है वो पॉज करके भी इसे देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो है आपका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, जो प्राग मतलब प्री हिस्ट्री का जो जो शैल चित्र होता था उसके बारे में भी दिया गया है। आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन नहीं बोल सकता, चार बोल सकता हूँ क्योंकि अब एक और ऐड हो गया है। जैसे कि पहला जो था वो था आपका प्री हिस्ट्री, मतलब पहले का हिस्ट्री, उसके बाद मध्य, मिडिल, उसके बाद मॉडर्न आया और अब आफ्टर मॉडर्न हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको तीन या चार हिस्सों में बांट सकते हैं। तो हम जो अभी पढ़ेंगे ये प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पहले का प्राचीन हिस्ट्री में क्या था, कैसा चित्रकारी होता था, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ चित्र बनाया जिसमें घोड़े पे आदमी बैठे हुए, हाथ में कुछ भाला टाइप लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका ये क्या दर्शा रहा है कि ये लोग मतलब हंटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, या युद्ध हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लोग युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा भी एक हम लोग गेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो जानवर का बना है जैसे बकरी है या गाय है या क्या है, कुछ भी है, वो लोग का टाइम का उन लोगों को जो दिखता था उसको वो लोग अपना हिसाब से एक
मतलब पत्थर पर या केव में कहीं भी उसको बना देते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, ठीक है, बहुत ही पुराना जो अतीत होता है, मतलब उसको जिसको बीता हुआ काल बोलते हैं, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, यानी कि ऐसा काल जिसके लिए इस जिसके बारे में ना ही कोई किताब है, ना ही कोई किताब में उसके बारे में लिखा गया है, ना ही किसी ऐसा चीज़ में उसका दस्तावेज दर्ज किया गया है जिसके बारे में हम पता लगा सके, उससे प्राय ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है, उसी को प्राय ऐतिहासिक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री उसी को कहा जाता है। प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? जिसका कोई दस्तावेज किसी किताब में या किसी भी तरह से किसी भी जगह पर उसका दस्तावेज ना उपलब्ध हो, उसी को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, यानी कि ये क्वेश्चन लगा दिया यहाँ पर कि उस टाइम में पुस्तक या दस्तावेज कैसे उपलब्ध होता। उस समय ना तो कागज़ था, ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द था, ठीक है, यानी कि उस टाइम तो ना ही कोई कागज़ भी नहीं था, कागज़ का मतलब बारे में जानकारी भी नहीं था किसी को, या कोई नॉलेज भी नहीं था, ना ही कोई भाषा या लिखने का शब्द था, तो कैसे उस टाइम का कोई पुस्तक कैसे आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा प्राय ऐतिहासिक को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्रिक टाइम कहते हैं, यानी कि उस समय जो प्राक इतिहास है उसको अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, प्राय ऐतिहासिक काल बोलते हैं, यानी प्री हिस्ट्रिक टाइम कहा जाता है। ऐसा परिस्थितियों में मनुष्य कैसे रहता होगा या विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा, ठीक है, यानी कि उस टाइम का आदमी लोग कैसे रहता होगा ये तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग सिर्फ गैस करते हैं ना, हम लोग जो गुफाओं में जो चित्र देखते हैं उसी को देख के हम लोग गैस करते हैं कि उस टाइम का आदमी लोग ऐसे रहता होगा, बट हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि वो कैसे रहते होंगे या क्या करते होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जब तक कि विद्वानों ने उन स्थलों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, ऐसा स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और उस समय के मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। इन चीज़ों से प्राय जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृति को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। यानी कि क्या होता है, जो इतिहासकार जो मतलब हिस्ट्रियंस जो हैं, जिन लोगों ने मतलब खोज करना शुरू किया, तो उन लोगों ने क्या किया, जब उन लोगों ने खोज करना शुरू किया तो उन लोगों ने खुदाई किया या दीवारों पे जो आकृतियाँ होती थी मतलब जो पिक्चर्स होते थे, तो उन सबको देख कर उन लोगों ने क्या किया, गेस करना शुरू किया कि अच्छा ये लोग ऐसे रहते होंगे, ये लोग यहाँ पे घोड़ा बनाया है या यहाँ पे कोई जानवर का चित्र बनाया है, उसको भाला से मार रहा है, यानी कि वो लोग हंटिंग कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह करके वो लोग इसका जानकारी लगाते थे। अब वो लोग कहीं खुदाई किए तो मालूम पड़ा कि यार यहाँ पे तो पूरा गड्ढा किया हुआ है, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है उस टाइम में यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई रहता होगा, एक अच्छा खासा बड़ा सा गड्ढा करके उसमें कोई लोग रहता होगा, ये हो सकता है। और क्या कर सकते हैं उन लोग, कहीं हड्डी जानवर का, कहीं हड्डी मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, कहीं हड्डी को देखा गया कि उसे काट कर नोखिला बनाया गया है, कहीं पत्थर का टुकड़ा मिल गया, तो ये सब भी देख के वो लोग गणना करते थे कि यहाँ का इंसान कैसा होगा, कहाँ रहता होगा, ये सारे चीज़ों से उन लोगों ने एक पूरा का पूरा अच्छा खासा विवरण को तैयार कर दिया था, ठीक है, जिससे हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिला। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे, यानी कि ये सारा जानकारी जो था इससे ये तो समझ में आता था थोड़ा बहुत कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, ठीक है, जब मनुष्यों की खाना पानी कपड़ा तथा आवास संबंधित बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी तो वह अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। आपको अगर मालूम होगा, थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने या
थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको मालूम है जब पुराने टाइम में जिन आदमी के पास जब बुद्धि नहीं था, दिमाग उतना नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, सिर्फ खाने के लिए दौड़ते थे, खाना चाहिए उनको, जानवर को मारते थे, मतलब ऐसे ही करके हंटिंग कर करके वो लोग अपना पेट पालते थे। जब उन लोगों को एग्रीकल्चर का नॉलेज हो गया, धीरे धीरे करके उन लोगों ने फूड को मतलब क्या स्टोर करना शुरू किया, जब उनके पास खाने का ज़रूरत पूरा हो गया, तब उन लोगों के अंदर एक अलग ज़रूरत आ गई। तो इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि अभी के टाइम में देखेंगे तो अभी हमारे पास खाने का स्टॉक है, जब खाने का स्टॉक है तब हमारे अंदर आता है कि यार हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा का स्टॉक है तो मैं हमारे अंदर आता है कि हमें घर चाहिए, घर है तब आता है कि नहीं अब हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल है तो यार अब मुझे बाइक चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारा जो इच्छा है, जब कोई चीज़ पूरा हो जाएगा तो हमारा इच्छा और बढ़ता जाता है, हमें कुछ ना कुछ और चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि उस टाइम जब खाने पीने का, जब कपड़ा का, जब आवश्यकता पूरा हो गया, तो उनका जो मस्तिष्क जो था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा, और मतलब जो उनका ज़रूरत है उसको पाने के लिए वो लोग और प्रयास करने लगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखांकित बनाना शुरू कर दिया, और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। मतलब कि जब उन लोगों के पास ये हो गया, तो उनका जो माइंड थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो गुफा में जो लोग रहते थे वहाँ पे वो लोग कुछ कुछ खींच खाच के मतलब चित्र टाइप के बना दिए, और बनाने के बाद वहाँ पर ये बताना शुरू किया कि हम लोग का जो मस्तिष्क है, मतलब उनका दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उनका भाव क्या है, ये सारा चीज़ वो लोग वहाँ पे दर्शाना शुरू किया। जैसे हम लोग छोटा रहते हैं तो क्या करते हैं, मम्मी पापा रहते हैं तो हम लोग उनको देख के क्या करते हैं, हम उनका एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, उनके साथ में एक बच्चा रहता है, मतलब हम वहाँ खड़े हैं तो वो हमें पकड़े, तो हम अपना माइंड का स्थिति को बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम उसे चित्र के जरिए दर्शाते। तो ये लोग भी उस टाइम में ऐसे ही करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के मनुष्यों ने इस चित्र को क्यों खींचा, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन दे दिया कि उस टाइम का जो प्रीहिस्ट्री के जो लोग थे उन लोगों ने इस चित्र को क्यों खींचा। तो जाहिर सी बात है, उनका अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो क्या समझ में आता है कि जैसे अभी मैंने बच्चा का एग्जाम्पल दिया कि वो क्या करता है, उसका दिमाग में जो रहता है छोटा में वो चीज़ बनाता है, ठीक, वो जो चीज़ देखता है वो चीज़ को वो बना देता है। तो इस टाइम के इंसानों का भाई क्या होगा, अगर वो जानवर को हंटिंग करे, मार रहे, तो उनका दिमाग में भी वही चित्र रहेगा ना, तो वो भी उसी चीज़ को बनाएंगे। देखिए, एक मनोविज्ञान का एक बात है कि अगर जो चीज़ आपने देखा है, जो चीज़ के बारे में आपने सुना है, ठीक है, उसी चीज़ का आप चित्र को या उसी चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस चीज़ किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। गौर करके देख लीजिए, आपको ये मालूम है कि आपने पढ़ा है कि ब्रह्मांड है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने टीवी में या कहीं इंटरनेट पे अगर आपने पिक्चर देखा होगा ब्रह्मांड का, बहुत सारे तारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे प्लैनेट्स है, तो ये सारा आपका दिमाग में एक पिक्चर आ गया। अब उस पिक्चर से आगे आपने ना देखा है, ठीक है, आपने सुना जरूर होगा कि ब्रह्मांड के बाद और भी एक ब्रह्मांड है, तो बस आप उसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ और ब्रह्मांड होगा। बट क्या आपको ये कभी सुना है कि ब्रह्मांड के बाद क्या है, आपको ब्रह्मांड के बाद सिर्फ शून्य नज़र आता है। तो आप अगर उसको देखने का कोशिश भी करिएगा माइंड में ना, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ब्लैक नज़र आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे माइंड में जो भी बात आती है, जो भी चीज़ हम देखते हैं या जो भी चीज़ सुनते हैं, हम उसी चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं, अदरवाइज उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे कम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये दर्शाता है कि उनका ऐतिहासिक काल में मानव का चित्रों को क्यों खींचा, तो वो जो चीज़ देखते थे उस चीज़ को खींचते थे, ठीक है। शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भिन्न चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दर्शन अभिलेख रखने के लिए यह चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपने डायरी खींचते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मजाक का सेंस में बता दिया कि उस टाइम के लोग मुझे अपना घर का पेंटिंग करने के लिए वहाँ पे डिज़ाइन बना दिया, बट ये ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास तो ये नॉलेज ही नहीं है कि हम कहाँ से खाना को ये करें, वो तो हंटिंग कर रहे हैं,
ठीक है, कॉमन सेंस का बात है, वो लोग हंटिंग कर रहा, गुफाओं में रहता है, तो उन लोगों के पास तो ये कहाँ से सेंस आया कि चलो इसको हम पेंट करते हैं, डिजाइन बना देते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक मजाक के बारे में बोला गया है, बट ये जरूर हो सकता है कि वो लोग अपना अभिव्यक्ति को दर्शाता होगा, ठीक है, अपना चित्रकारी के जरिए, ये बोला जा सकता है। जैसे कि आजकल बोल रहे हैं कि लोग डायरी में कुछ कुछ बनाते हैं या कॉपी में कुछ भी बनाते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर भी वो गुण अभी भी है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा, एक अंडरलाइन किया हुआ है कि मानव के आरंभिक विकास के लिए के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी पैलेस्टोसीन पैलोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। अच्छा देखिए, ये जो प्री हिस्ट्री काल है इसको पैलोलिथिक एज भी कहा जाता है, यानी पुरापाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। पुरापाषाण का मतलब क्या होता है, पुराना पत्थर, ठीक है, पुराना पत्थर का काल को कहा जाता है, मतलब पुराना पत्थर मतलब बहुत ही पुराना जो पत्थर का समय होता था उस टाइम, जो स्टोन एज था ना वो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलोलिथिक एज या प्री हिस्ट्री एज कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं, ठीक है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पुरापाषाण युग यानी कि लोअर पैलोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हम हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल यानी अपर पैलोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकल्पों में भारी वृद्धि हो गई थी। अच्छा देखिए, हम अब यहाँ पे पैलोलिथिक जो मैंने प्री हिस्ट्री काल बोला उसको भी इन लोगों ने तीन भाग में बांटा है, पहला है लोअर पैलोलिथिक, दूसरा मिडिल और तीसरा है अपर पैलोलिथिक। तो जो लोअर पैलोलिथिक था उसका बारे में इन लोगों को उतना जानकारी नहीं है कि उस टाइम का लोग मतलब किस तरह का उन लोगों का व्यवस्था था, कैसे रहते थे, क्या था, ये इनको जानकारी नहीं है। पर धीरे धीरे करके जब अपर पैलोलिथिक का समय आया तब इन लोगों को जो कलाकृति जो भी चित्र नज़र आया उससे इन लोगों ने अपना मतलब गणना करना शुरू किया कि उस टाइम के लोग ऐसे रहते होंगे, ऐसे करते होंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्र से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे, ठीक। देखिए उस टाइम के जो लोग हैं उनका चित्र, जो गुफाओं में जो चित्र है वो चित्र क्या चीज़ का है, उस टाइम के लोग जो जो जानवर का हंटिंग करते थे, मारते थे, शिकार करते थे, उन्हीं का उन लोगों ने चित्र बना बना के पूरा गुफा को भर दिया है, ठीक है। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वित्त वर्ग आयात जैसी अनेक ज्यामितियाँ आकृतियाँ और प्रतीत भी बनाते थे। मतलब उन लोग जो है क्या करते थे, कभी कभार सर्कल बना दिए, ठीक है, कभी स्क्वायर बना दिए, कभी कुछ होता है ना बचपन में हम लोग क्या करते, गोला बना देते हैं, कुछ डब्बा बना देते हैं, तो ये सारे चीज़ भी वो लोग करते थे। तो अभी के टाइम हमें ये मालूम पड़ता है ये तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ज्योमेट्री में हम सर्कल स्क्वायर ये सब पढ़ते हैं, तो वो लोग ऐसे ही बनाते थे। तो अभी भी हम लोग गणना करते कि वो लोग ऐसा ज्यामिति का आकृतियाँ भी प्रतीत बनाया करते थे, ठीक है। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिला है, ठीक है, वो उत्तर पुरापाषाण काल यानी अपर पैलोलिथिक टाइम का है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब कि जो सबसे पुराना जो चित्र अभी तक में पाया गया है वो कौन सा है, अपर पैलोलिथिक टाइम का है, जो सबसे पुराना है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि सबसे पुराना अपर पैलोलिथिक का है, उसके पहले भी दो गो काल हो चुका है। पैलोलिथिक में तीन खंड बटा हुआ है, लोअर मिडिल अपर, तो लोअर मिडिल का कोई साक्ष्य नहीं मिला, अपर पैलोलिथिक का ही साक्ष्य मिला है जो कि सबसे पुराना चित्र है, ठीक है। इससे हमें यह समझ में आ गया कि लोअर एंड मिडिल में कोई भी चित्रकारी का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। जो सबसे पुराना चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है वो किस में मिलता है, अपर पैलोलिथिक में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्र की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद आर्कवोल्ड कलाइल ने स्पेन में हुई
अल्तामीर की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। अच्छा, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो जानना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो शैल चित्र है जो सबसे पहला वो 1867 से 68 यानी 1867 से 68 के समय काल में खोजा गया था, जो कि आर्कवोल्ड कर्लाइल जो कि स्पेन के थे उसमें हुई थी, और अल्तामीर की खोज से भी 12 वर्ष पहले, अल्तामीर है उससे भी पहले 12 वर्ष पहले इसका खोज किया गया था। काकरबन, अंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ आर्कोलॉजिस्ट का नाम दिया, जैसे काकरबन, अंडरसन, मित्र और घोष, ये लोग जो हैं ये ऐसे अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थलों का खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैल चित्र के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। देखिए भारत में अगर शैल चित्र बोले, शैल चित्र का मतलब मालूम है तो पत्थरों पे जो बनाया रहता है, तो इसका जो साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ मिला है, तो अभी का समय काल में हम जो नाम बोलते हैं मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, बिहार, इन सारे जगहों में गुफाओं में यह शैल चित्र पाया गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। कुमाऊं कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो वहाँ का जो गुफा है वहाँ पर भी कुछ शैल चित्र मिला है। अल्मोड़ा में जो कि अल्मोड़ा बारे छिन्ना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयल नदी के किनारे स्थित लखुडिया में पाया गया है, ऐसा ऐसा जगह का नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शैल क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लाउडिया का शाब्दिक अर्थ, अच्छा लाउडिया जो है इसका मतलब होता है 1 लाख गुफा। ठीक है, लाखुडिया का मतलब होता है 1 लाख गुफा। यह पाया जाने वाला चित्रों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। अच्छा, कौन कौन सा है वो? मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति। यानी कि अब जाहिर सी बात है उस टाइम आदमी लोग क्या क्या बनाया होगा, अपना ही चित्र, मानव चित्र बनाएगा, पशुओं को जिनका हंटिंग कर रहा उसका चित्र बनाएगा, या गोल आकार का कुछ गोल बना दिया, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर बना दिया, तो मतलब ज्योमेट्री का कुछ आकृति बना दिया। तो इसी प्रकार का आकृति पाया गया है लाखुडिया में, जिसका मतलब होता है लाख गुफा। ठीक है, 1 लाख गुफा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बता रहे हैं ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंग के हैं। अच्छा, ये जो चित्र बनाए गए हैं कौन कौन से रंग के हैं? ये वाइट मतलब सफ़ेद, काले यानी ब्लैक और रेड यानी कि लाल रंग का यहाँ पे आकृति को बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसमें मनुष्यों को छड़ी जैसी रूप में दिखाया गया है। अच्छा, छड़ी जैसी रूप में दिखाया गया है कि मतलब समझ में आया आपको? हम लोग पहले छोटा में क्या करते थे, अगर किसी इंसान को बनाना होता था तो हम क्या करते थे, ये ऐसे करके हम बना देते थे, ऐसे, ये इसका मुंडी हो गया, इसका हाथ हो गया, इसका पैर हो गया, तो ये छड़ी का आकृति हो गया ना, तो इसी आकृति में वहाँ उस टाइम में आदमियों को दर्शाया गया है। ठीक है, अगर कोई जानवर को बनाना होगा तो कैसे बनाता होगा, वो लोग ऐसे करके बना देता होगा, क्योंकि उन लोगों को तो उतना उस टाइम नॉलेज है नहीं, अब वो लोग कैसे बनाएगा, जाहिर सी बात है बनाने के लिए उन लोगों को जो दिख रहा है जैसा समझ में आ रहा है वो लोग ऐसे बना दिया, तो ऐसे करके वो लोग बनाते, तो छड़ी का आकृति में ये लोग हर चीज़ को बनाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशु चित्र में एक लंबे थुथन वाला जानवर, थुथन मतलब क्या होता है, उनका जो फेस जो बड़ा जैसा फेस होता है वैसा एक जानवर, एक लोमड़ी और कई रंग वाले छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। ठीक है, लहरदार रेखाएँ, आयताकार ज्यामितीय डिज़ाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इस चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है,
जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नचाते हुए दिखाया गया है। अच्छा, मतलब इस टाइम में कुछ क्या हुआ, अभी का टाइम में एक डांस होता है सालसा डांस, तो उसमें हाथ पकड़ के कैसे डांस किया जाता, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है कि उस टाइम में भी ऐसे नाचते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं, मतलब कि क्या किया गया है कि एक चित्र बना हुआ है उसी के ऊपर और एक चित्र बना दिया गया है, तो ऐसा भी पाया गया है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि कुछ चित्र पहले से बने चित्र पर पाया गया है। अच्छा, वह सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए थे। अच्छा, सबसे पहले जो चित्र बना था वो किस रंग का बना था, काले रंग का बना था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं, यानी कि पहले तो काला रंग का चित्र दिखा, उसके बाद उसके ऊपर क्या किया गया, लाल रंग का चित्र बना दिया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसके ऊपर सादा रंग का चित्र बना दिया गया, तो ऐसा भी पाया गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से भी ऐसे दो शिला पट्टी मिला है। ठीक है, कश्मीर से भी दो ऐसा शिला पट्टी मिला है। देखिए, ये आपको दो पिक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोगों, लाखुड़िया उत्तराखंड। लाखुड़िया उत्तराखंड में जो गुफा है वहाँ पे ऐसा एक पिक्चर पिक्चर मिला है जिसमें हाथों में हाथ डाल के हुए डांस करते हुए यहाँ पे दिखाया गया। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, दिख रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जैसे एक इंसान है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका, इनका हाथ इसके साथ है, यहाँ पे ये भी एक इंसान है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे दर्शाया गया है। कहाँ पे, लाखुड़िया उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा सॉरी, 1 मिनट। सॉरी सॉरी, कैसे हो गया ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है लहरदार लकड़ी लकीरे, लहरदार लकीरे लाखुड़िया उत्तराखंड। यहाँ पे लहरदार लकीरे मतलब ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे ऐसे करके, तो ये भी कहाँ है आपका, लाखुड़िया उत्तराखंड में। लाखुड़िया का मतलब भी मैंने क्या समझाया था, 1 लाख गुफाएं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप मैं अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कश्मीर का भी कुछ गुफाओं में यहाँ पे शिला पट्टी पाया गया है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद बोला, जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवक्स दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है वहाँ पे ग्रेनाइट चट्टाने हैं, तो वहाँ पे नवपाषाण काल के मानव लोग जो थे वो लोग अपना चित्र बनाने के लिए एक कैनवेक्स दिया, मतलब अभी के टाइम में हम लोग चित्र बनाने क्या करते हैं, एक कैनवेक्स होता है ना, कैनवेक्स के ऊपर हम लोग चित्र बनाते हैं, तो उस तरह का ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो कैनवेक्स इन द सेंस मतलब उस टाइम गुफाओं में ही बनाया गया था। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, यह अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिन इनमें 3 स्थल अर्थात कुफ, गुल्लू, पिकलिहार और टेकल कोटा अधिक प्रसिद्ध है। ये 3 जगहों का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है चित्रकारी के लिए। ठीक है, यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, कुछ चित्र सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ठीक है, कुछ जो है सफ़ेद रंग का होता है, कुछ लाल रंग का होता है और कुछ क्या होता है, सफ़ेद पृष्ठभूमि, मतलब कुछ सफ़ेद चिकना जगह पे लाल रंग से बनाया गया है, ऐसा ऐसा चित्र पाया गया है। ठीक है, यह चित्र परवर्तित ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री समय का। ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक काल का, उसके बाद नियोलिथिक काल का यहाँ पे चित्र को पाया गया है। इसके बाद बोला है, इन चित्रों के विषय हैं, इसका जो विषय है मतलब इस पे चित्र क्या क्या चीज़ का चित्र है, जैसे सांड है और क्या है, हाथी है और क्या है, साभर है, शिकारा है, भेड़, बकरी, घोड़ा,
शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि ये सारे का चित्र वहाँ पे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए गए, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे इन सब का जो पिक्चर है बहुत ही कम वहाँ उस टाइम में पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा है, कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, यानी कि कुपगल्लू जो जगह है वहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जो कि मतलब बहुत ही अजीब है चित्र, ठीक है। उसमें क्या है देखते हैं, उसमें ये बता रहा कि जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कमोदीप पुरुषों को कमोदी पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। मतलब उस टाइम में दिखाया गया कि जो कमोदी पुरुष होते हैं वो लोग स्त्रियों को लेके भागते हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ पिक्चर को भी दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश के विंध्यांचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। पर क्या बोल रहा है कि जो बहुत ही जो सुंदर शैल चित्र है वो कहाँ कहाँ पाया गया, तो विंध्याचल जो कि आपका मध्य प्रदेश में है उसका वहाँ का गुफा, फिर से कैमूर जी के उत्तर प्रदेश में है पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर शैल चित्र को पाया गया। यह पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। अच्छा, यानी कि पूरा पाषाण यानी पैलोलिथिक और मध्य यानी कि मेसोलिथिक समय काल का जो चित्रकारी है उससे भरा पड़ा है यहाँ पर। कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का कहाँ पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर, और उत्तर प्रदेश का कैमूर की पहाड़ियों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे वो ऐसे जंगलों जंगली पौधों पेड़ों जलधाराओं और कंदारों की बहुलताएँ हैं। अच्छा, जो पूरा पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। अच्छा, इसका कहने का मतलब कि वहाँ पे उस टाइम में बहुत ज़्यादा जंगल थे, पेड़ पौधे थे, फल थे, तो मतलब ऐसा जो उस टाइम के हिसाब से अगर वहाँ का जो लोग होंगे उन लोगों के लिए वो रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह होगा, है ना। तो ये कौन सा काल का बात कर रहा है, ये आपका बात कर रहा है पूरा पाषाण काल का, यानी कि पैलोलिथिक काल का बात कर रहा। उसके बाद बोल रहा प्राकृतिक शैल क्षय मतलब कि चट्टानी आवास मतलब गुफाएँ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचाने के लिए उन्हें प्राय सहारा देते थे। अच्छा, देखिए उस टाइम का लोग, जाहिर सी बात है उस टाइम भी पानी पड़ता होगा, बिजली गिरता होगा, ठीक है। ये सब तो कभी बंद नहीं हो सकता, ये तो अरबों खरबों सालों से चलता आ रहा, ठीक है, जब से पृथ्वी बना तब से ये होता हुआ आ रहा है। ठंडा होना, गर्म होना, गर्मी पड़ना, ये सारा चीज़ से अगर मनुष्य को बचना तो उसके लिए उसको एक आवास चाहिए। तो वो लोग क्या करता है, पत्थरों का गुफाओं में रहता था जिससे बारिश से बच रहे हैं, बिजली से बच रहे हैं, ठीक है, धूप से बच रहे हैं, ये सारी चीज़ों से उन लोगों को बचने में मदद मिलती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे बड़ा और अत्यंत दार्शनिक स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भीमबेटका, ठीक है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है ये, विंध्याचल पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों तरफ यही स्थित है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये अत्यंत ही दार्शनिक स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका, ठीक है, याद रहेगा नाम। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 8000 शैल क्षय यानी स्लेटर मौजूद हैं। इनमें से 500 शैल क्षय में चित्र पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, भीमबेटका में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 800 शैल क्षय मतलब सेल्टर्स का मतलब क्या बोलेंगे, रहने के लिए जो घर होता है ना, मतलब गुफाएं ऐसे बोल सकते हो, उस टाइम के लिए गुफाएं पाए गए हैं, ठीक है। जिसमें से कम 500 में जो है पत्थरों पे क्या हुआ है, आकृति बना पाया गया है, चित्र पाया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष
1957 से 58 में डॉक्टर बी ए वाकानकर द्वारा की गई थी। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1957 से 58 में किसके द्वारा? डॉक्टर वी ए वाकानकर द्वारा की गई थी। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की से कितने 45 किलोमीटर की दूरी पर? कौन सा पहाड़ियों के बीच अगर पूछा जाए तो विंध्याचल पहाड़ियों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाद में उन्हें अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। ठीक है, पहले तो खोज किसने किया? डॉक्टर वी एन वाकानकर। ठीक है, और बाद में कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने भी उसका उस जगह का अनुसरण किया था। ठीक है, वाकानकर ने इन चित्रों के माध्यम से अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। कहने का मतलब डॉक्टर जो वी के वाकानकर थे, इन लोगों इन्होंने इस भीमबेटका का जो गुफाएं हैं इनका अध्ययन करने के लिए, इनके बारे में जानकारी कर पाने के लिए वर्षों तक, सालों सालों तक यहाँ इस पहाड़ियों में क्या किए थे? घूमा, जंगलों में उन्होंने घूमा, पूरा सर्च किया, सब कुछ किया। ठीक है, यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें एक समय की रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। कहने का मतलब कि यहाँ का जो चित्र है उसमें बहुत सारा तरह का चित्र बनाया गया, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग क्या कर रहे हैं, धार्मिक क्या काम कर रहे हैं, उनका भाव, उनका विचार क्या है, ये सारा चित्र यहाँ पे पाया गया है, जिसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शारीरिक सज्जा, फिर से श्रवेश, उसके बाद मुखौटा लगाने जैसे अनेकानेक घरेलू गतिविधियों की चित्र शामिल है। ये आपको जो चित्र नज़र आ रहा है ये आपका भीमबेटका का ही चित्र है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की शैल चित्र का शैली तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखांकित तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कला है उत्तर पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा ताम्र पाषाण युग। उत्तर पाषाण यानी कि उत्तर पाषाण युग यानी कि पुरापाषाण जो आपका पैलोलिथिक एज जो बोल दें। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक बोल दें, और ताम्र पाषाण यानी जो आपका जिसमें तांबा का जिसमें खोज हुआ था, चेल्कोलिथिक जो होता है वो हो गया। ठीक है, तो इन तीनों काल विधियों के बाद एक चार ऐतिहासिक कलाकृति आती है, लेकिन यहाँ हमें पहले तीन कालों का ही विवरण विवेचन करेंगे। अच्छा, बोलता है कि इसमें ये तो पढ़ने के बाद चार और ऐतिहासिक कलाकृतियाँ आती है, बट हमें इन तीनों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है। पहले बोला उत्तर पुरापाषाण काल यानी अपर पैलोलिथिक पीरियड के बारे में बात हो रहा, तो इसमें बताया कि उत्तर पुरापाषाण काल के चित्र हरी और गहरी लाल रंगों से बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो पुरापाषाण काल, जो पहले का पुरापाषाण काल था, अपर, हमको क्या मालूम पड़ा कि अपर पैलोलिथिक में ही सबसे पुराना चित्रकारी मिला है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि अपर पैलोलिथिक में जो सबसे पहला चित्रकार मिला है उसका रंग कैसा था, तो हरा और गहरी लाल रंगों से उसको बनाया गया है। इसमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृति और लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवर जैसे भैंसे, हाथियों, बाघ, गेंडों और सुअरों को के हैं। ठीक है, कुछ चित्र धवन चित्र यानी वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र जो है ज्यामितीय आकृति से भरी हुई हैं। ऐसे चित्रों का शिला कार्यों में से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नृत्यकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। अच्छा, ये एक चीज़ अच्छा है, एग्जाम्स में आ भी सकता है
कि जो हरा चित्र है वो आपको नित्य करते हुए जो लोग हैं उनको दर्शाया गया है, और जो लाल चित्र है वो आपका शिकार करते हुए लोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो वो इसी को बना देगा, लिख देगा कि हरा चित्र जो जो अपर पैलोलिथिक एज था उसमें हरा चित्र जो है शिकारियों को दर्शाता था और लाल चित्र जो है वो नित्य को दर्शाता था। तो अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा, हाँ दोनों ही सही है, टिक मार दिया। बट यहाँ क्या होगा, उल्टा है, हरा चित्र नित्यकों को दर्शा रहा और लाल चित्र शिकारियों को दर्शा रहा। तो इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक पीरियड क्या बोल रहा, दूसरे कालाविधि यानी मेसोलिथिक युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा, मेसोलिथिक काल का जो चित्र है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसी टाइम में बहुत ज़्यादा चित्र पाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो मध्य पाषाण युग जो था उसमें आपको सबसे ज़्यादा चित्रकारी मिलती है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि जो उसका जो चित्र जो था उसका संख्या बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत लोग क्या हुआ चित्र बनाना शुरू कर दिए, बट उसका आकार जो छोटा हो गया। मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके इंसान अभी देखते हैं नैनो के ऊपर भाग रहा, मतलब नैनो चीज़ बनाना शुरू कर रहा है ना। पहले कंप्यूटर यूज़ करते थे, उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था, फिर धीरे धीरे करके उसका साइज छोटा होने लगा, फिर से अभी AI टेक्नोलॉजी आ गया है। तो इसी तरह से उस टाइम के भी लोग क्या होते थे, पहले बड़ा बड़ा चित्र बनाते थे, फिर थोड़ा सा उन लोगों के अंदर दिमाग आया तो फिर उसको छोटा बनाना शुरू किया उन लोगों ने। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि जितना कम दिमाग रहेगा उतना बड़ा चीज़ बनाएगा इंसान, और जितना ज़्यादा दिमाग रहेगा उतना छोटा चीज़ बनाएगा इंसान। ठीक है, तो इससे उसको कभी कम मत आंको कि ज़्यादा मतलब छोटा चीज़ बना रहा है इसका मतलब वो कम है, बस ऐसे एक बात बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है कि शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदिमानव को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। आपको ये थोड़ा सा नॉलेज तो होगा ही कि पैलोलिथिक एज उस टाइम में जो है जानवर को मारने के लिए क्या करते थे, बोलो, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। बड़ा बड़ा पत्थर लेके उठा कर जाते थे, जानवर पटक के मार देते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को मालूम पड़ा कि यार जानवर बहुत तेज भी होता है, भागता है तो हम उसका पीछे भाग ही नहीं पाते, थक जाते, पकड़ नहीं पाते। तो इन लोगों ने क्या किया, बोला कि जानवर को ऐसे मारने से अच्छा है कि उसको दूर से ही हम मार सकें। तो क्या किया वो लोग, मतलब जो पत्थर था उसको काट काट के छोटा करना शुरू किया ताकि उसको फेंक के हम मार सकें। ठीक है, उससे भी हो गया। फिर देखा कि यार छोटा करके तो मार देता हूँ बट फिर भी भाग जा रहा, तेजी है उसके अंदर। तब क्या किया उन लोगों ने, तीर का आकृति बनाया, भाला का आकृति, मतलब डंडा लिया, डंडा के अंदर में बांस लेके उसके ऊपर में पत्थर को नोखिला करके बांध दिया, दूर से उसको मार दिया घोप के। तो ऐसे भी करके होता था। तो ये जो चेंजिंग आया, मतलब पत्थरों को छोटा करके उसको धारदार बना के हमला किया जाने लगा, ये कौन सा काल से शुरू हुआ, ये आपका शुरू हुआ मेसोलिथिक पीरियड से। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि ये लोग पत्थर को छोटा कर देता था, जाहिर सी बात है चित्रकारी से मालूम पड़ा कि ये लोग ऐसे करके ये लोग यहाँ पे हंटिंग करता था। ठीक है, वही यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताया कि गड्ढे को खोद कर ये लोग क्या करते थे, जानवर को पकड़ते थे। यानी कि जैसे आपको अगर मालूम होगा तो पहले के टाइम में गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। गर्त आवास का मतलब ये हुआ कि जमीन को खोद कर ये लोग जमीन के अंदर ढुक जाते हैं, उसके ऊपर से पत्तियाँ उत्तियाँ रख कर मतलब नीचे ज़मीन में ही रहते। तो इसका रहने का फ़ायदा क्या होता था ऐसे कि जो धूल मिट्टी है, ठीक है, कोई जानवर आया या कुछ भी ऐसा कोई संकट आया तो उससे लोग बच पाए। ठीक है, तो इससे हमें गर्त आवास का भी जानकारी मिलता है कि जमीन को खोद कर ये लोग रहते थे या जानवरों को पकड़ने का भी चाल करते थे। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, बालू होता था, बालू में हम लोग क्या करते थे गड्ढा खोद कर ऊपर से हम लोग पत्ती उत्ती बिछा कर उसके ऊपर हल्का हल्का बालू डाल देते, अपने दोस्त को लेकर जाते थे कि चलो 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 तुमको एक जादू दिखाऊंगा, और उसके बाद उसी गड्ढा में उसको ढकेल देते थे। तो
तो इस तरह करके भी ये लोग पहले का टाइम में जानवर को पकड़ने का कोशिश करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चित्रकारों में मानव को सुंदर कपड़े में सजा हुआ और कुछ को मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। अच्छा, कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बहरसिंह, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। अच्छा, ये लाइन अच्छा है कि मध्य पाषाण काल के जो कलाकार यानी कि जो उस टाइम के जो लोग थे, जो लोग चित्रकारी करते थे गुफाओं में, उन लोगों को जानवरों का चित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो ये लाइन एक अच्छा यूपीएससी का अगर एस्पिरेंट है तो आपको ये लाइन को नोट डाउन कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द्र का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। ठीक है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिसमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। अच्छा, यद्यपि जानवरों के प्राकृतिक और आवश्यकता में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सूचीपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को नवस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। नवस्त्र और सवस्त्र का मतलब कपड़ों के साथ और बिना कपड़ों के साथ। अच्छा, इन चित्रों में बूढ़े व जानवर सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसा भी चित्र है जिसमें लोगों को पेड़ों से फल और शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों के एक साथ दिखाया गया है, मानो वह एक ही परिवार के सदस्य हो। अनेक शैलशयों में हम हाथ और मिट्टी के छाप पाते हैं, तो कुछ में उंगलियों की सिरों के बने निशान। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको एक चित्र नज़र आ रहा होगा, कुछ कुछ मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ये लग रहा छिपकली है ना, ऐसे ही करके ये लोग चित्र बनाते थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप मेंस में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो अब आप इसको लिख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। फिलहाल आगे देखते हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगते शामिल थी। ठीक है, भीमबेटका के जो कलाकार मतलब भीमबेटका के जो लोग थे, वो लोग कैसा कौन कौन सा रंग का इस्तेमाल करते थे? काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद, ये सारे रंग। ठीक है, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। पर सफ़ेद और लाल जो है ज़्यादा उसी रंग का चित्र मिला है, तो इससे मालूम पड़ता है कि सफ़ेद और लाल जो है उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा रंग था। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किया जाता था। अच्छा, जो रंग होता था, जो भी कलर से वो लोग पेंटिंग करते, तो कैसे बनाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, विभिन्न जो चट्टान होते थे, उसको खनिज होते थे जो भी, उसको पीस पीस के उसका रंग को तैयार करते थे। वो लोग लाल रंग हिरमच यानी जिसे गेहूं भी कहा जाता है, सॉरी गेरू भी कहा जाता है, उससे तैयार किया जाता था। अच्छा, हरा रंग कैल्सेडोसिन नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था, तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था, फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जिसे कि जानवरों की चर्बी या
पेड़ों से निकाला गया गोंद या रम मिला लिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार रंग तैयार हो जाता था, बनाए जाते थे। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है, बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। ये तो बिल्कुल सही बात है, आपका हजारों लाखों साल पहले है ना ये चित्र बना था और ये आज भी इसका साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम का जो रंग था वो लोग जैसे तैयार करते थे वो आज भी है, जबकि इतना समय में पानी पड़ा, बारिश मतलब बारिश हुआ, धूप तूफान पता नहीं क्या क्या आया होगा, फिर भी वो आज भी साक्ष्य है। मतलब कितना, मतलब सोचने का बात है ये चीज़, है ना। अच्छा, यह समझा जा सकता है कि रंग अब तक इसलिए अक्षुण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्सीजन मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि जो उस टाइम का जो पत्थर था उसके ऊपर जो ऑक्सीजन का जो जो मात्रा था वो इस रंग को एब्जॉर्ब करके रख लिया है, ताकि इसी वजह से वो मिट नहीं पाया, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाक्षयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाया। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाक्षयों से मिली जहां लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसे जगह से भी मिले हैं जहां शायद लोग कभी रहे ही नहीं हो, ठीक है। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, ठीक है। शैलाक्षयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाक्षय की छत के पास बना हुआ है। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानव ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक संस्थानों पर यह चित्र कैसे क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लेकर लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए हैं, हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि ये चित्र हालांकि बहुत पुराना जमाने के हैं पर इनमें चित्रात्मक गुफाओं एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने के प्रतिकूल परिस्थितियां, औजार तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। परंतु पशुओं को तो विस्ताविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष दिखाया गया है और एक दृश्य में कुछ लोगों को मध्य पाषाण युग की चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। ये ऐसे ही एक दृश्य जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है, कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़े दिखाया गया है। यह चित्र अनेक ही कला का श्रेष्ठता का प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे ये लोग जो है कुछ भैंसों को मार रहा है, ठीक है, ऐसा ही चित्र को यहाँ दिखाया गया है। कुछ लोग जो है यहाँ पे घायल पड़ा हुआ है, भैंसा दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा होगा तो ये लोग गिर गया यहाँ पे, तो इसी को दर्शा रहा। तो यही सारा चित्र जो है उस टाइम में दर्शाया जाता था। नृत्य का दृश्य, ये देखिए ये लोग अपना हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहा है ना, ये नाचते हुए दिखाया गया इन लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है, ये इस दृश्य में एक दूसरे के हाथ पकड़ के नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बार बार दोहराया गया है। हाँ, नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड की लखुड़िया का पूरा पाषाण दृश्य की याद दिलाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो दृश्य कहाँ पे पाया गया था, पहले लखुड़िया उत्तराखंड की पहाड़ियों में। लखुड़िया का मतलब क्या बताया था, एक लाख पहाड़िया, याद रहेगा ये, ठीक है। तो वहीं पे इसको
एक लाख गुफाएं तो वहां पे इसे पाया गया है। ठीक है, वैसा ही दृश्य को ये दिखाता है कहां पे, भीमबेटका में भी ऐसा पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रकार के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हुए, ये भी दर्शाया गया है। ठीक है, आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वास्तव, प्रतीत और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्केरित करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करके करने के लिए मुखौटे पहनते और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो उसमें दिखाता होगा कुछ आदिवासी जगहों पे वो लोग जाते हैं, वो लोग क्या डांस करते हैं। ठीक है, उन लोगों के पास अभी भी वैसा, मतलब ये नहीं, वो लोग अभी भी मतलब पुराना टाइम के लोगों के जैसे ही रहते हैं, जानवरों को मार कर खाते हैं। ठीक है, डांस करते हैं शादियों में, कैसे उन लोगों का क्या होता है धार्मिक संग, क्या क्रियाकलाप होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। जानवरों को मार के उसके चारों ओर गोल गोल घूरते हैं, तो ये सारा चीज़ दर्शाया जाता है। तो अभी भी ऐसा बहुत सारा जगह है। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। भीमबेटका में कुछ स्थलों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं, मतलब कि भीमबेटका में कुछ कुछ चित्र के ऊपर में एक चित्र के ऊपर एक, एक चित्र के ऊपर एक, एक चित्र के ऊपर एक, ऐसे करके 20 को चित्र बनाया हुआ है, परत का ऊपर परत है जो एक दूसरे के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चित्रों के ऊपर परत दर परत कहाँ पर पाया गया है, तो ये आ सकता है भीमबेटका में पाया गया है। ठीक है, कितना लास्ट परत है, तो 20 परतें पाई गई हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार ऐतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्य उसी जीवन शैली, उसका खान पान, उसकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, समझ गए हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, अभ्यास। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आ गया है, आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास है, इसको आप देख लीजिएगा पोज करके, इससे आप लोग पढ़कर सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, एक मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों का चयन चुनाव किस प्रकार करते थे। सिंपल है, पैलोलिथिक एज में लोग कैसे चित्र का मतलब चुनाव करते होंगे, ये अगर मेंस में एग्जाम क्वेश्चन आता तो आप कैसे लिखिएगा कि उस टाइम में जो लोग वो दृश्य देख रहे हैं, ठीक है, जानवरों को मारते हैं, जो भी वो लोग दृश्य देखते थे उसी को वो लोग पत्थरों पे उकेरते थे। ठीक है, तो इसको आप जितना अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा आपका दिमाग में, जितना अच्छा आपका राइटिंग स्किल होगा, आप उस हिसाब से इसका आंसर को लिख सकते हो। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी इसे प्रैक्टिस करूँगा, आप भी इसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका देखिए, ये आपका मैप दिया है इंडिया का, जिसमें आपको वो सारे पूरा पाषाण काल का बारे में जो जगह है, स्थल का बारे में दिया है। एक दो का नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हड़प्पा है यहाँ पे, आपको हड़प्पा जब पढ़ाऊँगा तब उसमें देख लीजिएगा। अगर मैं सिंपल तौर पे बोलूँ, अगर ये आकृति देख रहे हैं आप, अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा या पढ़ा होगा, तो आपको मालूम पड़ेगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका जो आकृति ट्रायंगल शेप का था। तो ये आपको कुछ ट्रायंगल शेप में नहीं दिख रहा, ये देखिए, ये आपको ट्रायंगल शेप में नज़र आ रहा होगा, है ना, ये जो है ये आपका उसी का है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये दर्शा रहा। हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था आपका, सबसे वेस्ट का कौन सा जगह था, सुतका गेंडोर था। ठीक है, अच्छा, ऊपर में कौन सा, मांदा था सबसे अंतिम पॉइंट, इधर में आलमगीरपुर था, इधर में आपका दामाबाद था महाराष्ट्र में। तो ये ट्रायंगल से भी आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का बात हो रहा, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल इसका मैं पिक्चर को पूरा दिखा दे रहा हूँ, सिंधु घाटी स्थलों का मानचित्र है ये। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा आपको ये पहल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।